हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट सेकेंड कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में हमें किसके बारे में स्टडी करना है? एल्किल हैलाइड्स के बारे में। तो एल्किल हैलाइड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यूनिट थर्ड में मिलने वाली है। आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा एल्किल हैलाइड का। इसके बाद जो इसमें रिएक्शंस दे रखी हैं S11, SN2, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इससे आगे की जो यूनिट में टॉपिक्स आएंगे वो आपको सभी कवर होंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा एल्किल हैलाइड्स क्या होती हैं। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड का लेक्चर। फर्स्ट होगा ये, तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड नाम में ही छुपा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। एल्किल मतलब सिंपल कार्बन रिंग, CH3, CH3, CH2, ये एक एल्किल है। अब हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्या है? हैलोजन। तो हैलोजन आकर इससे अटैच हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं हम? एल्किल हैलाइड। तो यही है, देखिए, एल्किल हैलाइड आल्सो कॉल्ड एज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन किसको बोलेंगे? वही बात होगी, एल्केन के अंदर हेलोजन ग्रुप कंपाउंड ऐड हो गया तो उसको हम हेलो एल्केन बोलेंगे, और हेलोजन एल्केन्स। इससे आपको काफी हद तक समझ में आएगा। आर केमिकल कंपाउंड दैट आर ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन एंड कंटेन वन और मोर हेलोजन। मतलब कहां से डिराइव हो रहे हैं? एल्केन से। और क्या कंटेन रखते हैं? वन और मोर हेलोजन कंपाउंड, जिनको हम बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि ऐसे एल्केन जो कंटेन रखते हैं वन और मोर हेलोजन ग्रुप्स का, उसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब कोई भी, देखिए ये एग्जांपल है, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं तो ये पहले था CH3, CH3, तो ये ऐसे था। अब इसमें क्या होगा, ये लाइन देखिए, फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसके अंदर क्या है? इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो अब इसमें एटम इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन। अब हैलोजन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी कंपाउंड, ये इनमें नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इससे रिप्लेस हो जाएंगे और इससे हाइड्रोजन, मतलब ये हमारा हाइड्रोथेन बन जाएगा, मतलब ये एल्किल हैलाइड कंपाउंड हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो ये इसके एग्जांपल हैं, आयोडोथेन 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम, की कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट है। These may be classified as mono, di, poly halogens. Mono का मतलब 1, di का मतलब 2, poly का मतलब 2 से ज़्यादा. Compound depending on whether they contain 1, 2 or more halogen atom in the structure. कितने halogen atom present हैं उसके according first divide किया गया है। इसका example देखिए, जैसे एक halogen present है उसको बोलते हैं mono halo alkane. अगर 2 हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डाई हैलो एल्केन, अगर 3 हैलोजन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है जेम डाई हैलाइड्स। इसमें क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन ग्रुप अटैच होते हैं,
The two halogen atom are attached to the same carbon atom in the same dihalides. Example के through आप समझ सकते हैं कि एक ही carbon पे हमारे दो halide group attached है. तो इसका नामकरण करेंगे nomenclature 2,2-dichloropropane क्योंकि two carbon पे ही दो chlorine present हैं. Vice dihalo dihalides. इसमें क्या होगा? In these compound, the two halogen atom are attached to adjacent. मतलब जो आसपास के compound हैं, carbon हैं, पास-पास के दो carbon हैं, उनसे हमारे halogen attached होंगे. इस type के अंदर. तो ये example देख लीजिए आप. इस example से आपको समझ में आ जाएगा. इसके अंदर क्या हो रहा है? 1,2-dichloroethane. So these are the classification of alkyl halide. तो ये सिर्फ general introduction था. जो topic आगे start होंगे वो होंगे SN1, SN2 जो reactions हैं उसके बाद. तो next video में हम देखेंगे. आप बस support कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा video को share कीजिए. अगर subscribe नहीं किया तो subscribe ज़रूर कर ले क्योंकि 50% से भी ज़्यादा students ने हमारे channel को subscribe नहीं कर रखा है. अब देखो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो हमें सपोर्ट मिलेगा. और कौन है हमें सपोर्ट करने वाला? आप लोगों के लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं. तो बस शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.